गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के टाइम हो गया है, 10 बज गया है। अभी वीडियो बना रही हूँ। और चलिए, अभी इधर तो देख रहे हैं, कपड़ा बहुत सारा धोई थी तो कपड़ा रखी हूँ, बहुत सारे डाली हूँ अभी और नहीं भी डाली हूँ। देखिए, कुर्ती पहनी थी तो इस पर लाल स्टॉल ले ली हूँ क्योंकि बाहर में बहुत ठंडी लग रही है, हवा चल रही है, ठंडा ठंडा हाथ हो एकदम ऐसे एकदम ठंडा हो रहा है। तो अभी मैं चढ़ाई हूँ चाय। चलिए, मेरा चाय बन गया, काहे कि नहा फिज के पूजा पाठ भी हो गया था तो चाय बना ली हूँ दोबारा। तो अभी पीऊँगी चाय और उसके बाद अभी बनाने के लिए रखी हूँ कढ़ी, और कढ़ी बनाऊँगी, पकौड़ी छानूँगी, और ज़्यादा तो नहीं, बस मैं खाली कढ़ी खाती हूँ, बाबू उतना नहीं खाता, तो उसके लिए कुछ और बनाऊँगी। तो बस कढ़ी, चावल और सीम है, और अथी का अचार, सीम आलू का अचार है, और साथ में मेथी का पराठा भी बनाऊंगी क्योंकि बाबू को पराठा ही खिलाऊंगी, चावल नहीं खाएगा, वो बोल रहा था चावल नहीं खाऊंगा, तो इसके लिए पराठा ही बनाऊंगी। और साथ में है सरसों का साग, और तो बहुत सारा हो जाएगा ना वेराइटी, कढ़ी, चावल और सरसों का साग, सीम आलू का अचार, मेथी के पराठा। आज बनाई हूँ गाजर का हलवा क्योंकि बाबू को गाजर का हलवा ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब आधा किलो भी गाजर ले आती हूँ, बना देती हूँ क्योंकि ठंडे में कई दिन बना भी चुकी। थोड़ा सा खोवा डाल दीजिए, ना भी खोवा है तो बस गाजर, उसमें किशमिश उशमिश डाल के, दूध डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, बस इतना में ही अच्छा हो जाता है, हेल्दी भी होता है, तो इस वजह से मैं उसको वो बना देती हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। पीती हूँ चाय और करती हूँ आप लोगों से बातें। बाबू को जब पहुँचाने गई थी तो उधर से धनिया पत्ता और गाजर और बीट रूट लेकर आई थी, और पालक, तो अभी टमाटर धनिया का चटनी भी पीसूँगी, बहुत सारा हो जाएगा, देखते हैं, तो न होगा तो शाम के उत्पम बनाऊँगी तो चटनी बनाऊँगी। तो और आप लोग कैसे हैं जो बताइएगा, कहाँ से वीडियो देखते हैं, कैसा मेरा वीडियो लगता है जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाली थी, कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए कल वीडियो नहीं बनाई थी, बस शॉर्ट वीडियो ही डाली थी। बच्चे आ गए हैं स्कूल से अभी, और टाइम हो गया, 1:30 बज गया है, और इसका भी कपड़ा उपड़ा चेंज हो गया है, तो गए थे आज भूल के, स्कूटी से नहीं गए थे, और उधर से भैया भी लेने के लिए चले गए थे, तो फिर हम लोग भूल के ही लेकर आए, और बहुत सारा साथ में बातें किए, बहुत मज़ा आता है, दो मिल के भूल के जाइए लेकर आइए, और अकेले जाने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन कभी कभी अकेले भी जाती हूँ, लेकिन ऐसे स्कूटी से ही ले आती हूँ, लेकिन आज भूल के गई थी, और पानी भी भरी हूँ, मोटर चल रहा है, इसका आवाज़ हल्का आ रहा है, और हल्का नहीं, बहुत तेज़ आवाज़ आता है मोटर का। और अभी खाना पीना नहीं हुआ है, खाना बहुत ही बन गया, बस रोटी नहीं बनाई हूँ, वो मेथी का बनाऊँगी पराठा बाबू के लिए, तो बनाती हूँ तो देखती हूँ, ना होगा तो चावल नहीं बनाऊँगी, वही खाऊँगी, और ना होगा तो शाम में चावल बनाऊँगी गरम गरम, तो देखते हैं। और अभी तो फिलहाल आ गए, और ये पानी पी के ऐसे ढेकार ले रहा है, बोल रहा है गटार आ रहा है, गटार आ रहा है, ढेकार को बोल रहा है, तो चीज का गटार बोल रहा है। हेलो बोलो, हेलो, खाएंगे दोनों मिलके। तो अभी शाम के हो गया है 6:30, और मैं देख रही थी अपने जो मैं टीवी में देखती हूँ, मैं कृष्ण भगवान की पूजा दिल से ही करती हूँ, मैं उनको मानती हूँ, इसलिए मैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी को देखती हूँ, उनका प्रवचन, उनका बात बहुत अच्छा लगता है, वो जो भी भागवत कथा कहते हैं एकदम दिल में उतर जाता है,
तो मैं उन्हीं को देखती हूँ, एकदम आंसू भी निकलता है, मतलब बहुत सा खुशी भी होता है कि अच्छा करने का वो आगे विचार भी आता है। और साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि उनका आरती भोग लगाते हैं, जो ऐसा लगता है गाते हैं, मैं भी उनके साथ साथ वैसा करती हूँ, तो फील होता है कि मैं यहाँ नहीं वही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर आप लोग भी देखिए, तो आप लोग भी कहिएगा कि हाँ मैं सच बोल रही थी क्या। बहुत अच्छा लगता है, जो जो कृष्ण भगवान के पुजारी हैं सारे पे, भगवत गीता बहुत से अथी पे देते हैं, लेकिन मैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी को देखती हूँ, तो अभी भी मैं उनका अभी अभी आरती ख़त्म हुआ है, भोग उग लगा के आरती ख़त्म हो गया है। तो चलिए, और ये बच्चे और ये देखिए, दोनों मिल खेलने में बिजी है। वीडियो के एंड, बाय बाय।